Assalamualaikum. Next topic is about the meningitis. Meningitis क्या होता है? It is inflammation of meninges. ठीक है, basic principles क्या हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि we have this figure. इसमें देखें सबसे ऊपर जो है ना, we have the skin. ठीक है, उसके बाद आपको दिखाया गया. ठीक है, उसके बाद skin के बाद क्या है? Periosteum है, cranium है, उसके बाद dura mater है, arachnoid mater है और pia mater है. ठीक है, ड्यूरा मैटर जो होता है ना, ये स्कल के बिल्कुल जो बोन होती है उसके साथ अटैच होता है, और जो पिया मैटर होता है वो ब्रेन के साथ अटैच होता है, उसको कवर कर रहा होता है, और एरेक्नॉइड मैटर जो होता है वो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के दरमियान में होता है. ठीक है, अब क्या होगा कि इनमें से जो लेप्टोमेनिंजेस है ना, वो कौन कौन सी होती हैं? वो पिया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर को मिला के हम कहते हैं लेप्टोमेनिंजेस. ठीक है, अब जब इन लेप्टोमेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम मेनिंजाइटिस में इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट ये है कि हम इसको क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू कि ये जो है मेनिंजाइटिस वो किसकी वजह से हो रहा है. बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है, फंगस की वजह से हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है. ठीक है, उस तरह से हम इनको चेक करते हैं जो मेनिंजाइटिस होता है. ठीक है, अब जो मोस्ट कॉमनली जो हमारे इन्फेक्शस एजेंट्स होते हैं वो डिफरेंट वेरी करते हैं. न्यूनेट्स में कुछ होते हैं, अडल्ट्स में कुछ होते हैं, ठीक है, और ओल्ड एज में कुछ जो है वो ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं. अब वो बता रहे हैं कि जो हमारे न्यूनेट्स होते हैं उसमें तीन जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ए ई एल से याद रखते हैं. ए फॉर स्ट्रेप जो हमारा ऑरियस होता है, सॉरी ये जो एग्लेक्टी होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई एग्लेक्टी. ठीक है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. ई फॉर ई कोलाई और एल फॉर लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस. ठीक है, ये तीनों जो है ये न्यूनेट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं. जो अडल्ट्स होते हैं, एल्डरली होते हैं, उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो नज़ीरिया मेनिंजाइटिस है. ठीक है, जो चिल्ड्रन और टीनेजर्स में होता है, नेजोफेरिंक्स के थ्रू ये जो है ट्रांसमिट होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू और मेनिंजेस में चला जाता है. इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया जो होता है ये भी हमारे पास एल्डरली और अडल्ट्स में कॉज करता है. ठीक है, सो देयर इज़ द अभी तक हमने देखे न्यूनेट्स में और अडल्ट्स में. ठीक है, और चिल्ड्रन में जो हमारे होते हैं ना एच इन्फ्लुएंजा, ये हमारे पास उन लोगों में होता है, इन्फेंट्स में होता है, ये भी जो नॉन वैक्सीनेटेड इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर कॉज करता है एच इन्फ्लुएंजा. ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि वायरसेस में अगर हम देखें तो जो हमारे कोक्सैकी वायरसेस होते हैं वो ज़्यादातर कॉज करते हैं चिल्ड्रन में, फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है इनकी. और फंगस जो होता है, याद रखना है कि मोस्टली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होते हैं उनके अंदर फंगस की वजह से, फंजाई की वजह से जो है ना होता है मेनिंजाइटिस. अब मेनिंजाइटिस के जो क्लासिकल ट्राइड आता है वो आता है कि इसमें ना हेडेक होता है, ये आपको पता होगा, हेडेक होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा, और जो है नकल रिजिडिटी हो जाती है, मतलब कि उनकी जो नेक होती है ना वो रिजिड हो जाती है बिल्कुल, और उनको फीवर होता है, ऑब्वियसली इन्फ्लामेशन है तो फीवर होगा. फोटोफोबिया होता है, मोस्टली जो वायरल मेनिंजाइटिस होता है ना उसके अंदर, मेनिंजाइटिस जो वायरल होता है उसके अंदर फोटोफोबिया होता है. इसके अलावा वोमिटिंग होती है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है. नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि डायग्नोसिस हम किस तरह से करते हैं. तो डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस की आपको पता होगा हम लंबर पंक्चर के थ्रू करते हैं, CSF की सैम्पलिंग करते हैं. हम नीडल डालते हैं कहाँ पर, L4 to L5 जो लेवल होता है ना इलियक क्रेस्ट का, वहाँ पर हम L4 और L5 जो होता है ना, ठीक है, उसके दरमियान से हम डालते हैं. ठीक है, इस फिगर में अगर आप देखें ना तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना वो L2 के लेवल पे ख़त्म हो रहा है. ठीक है, लेकिन जो हमारा सब रेकनोइड स्पेस होती है और कॉर्डा इक्विना होता है ना, ये एक्सटेंड करता है S2 तक. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है ना, जब हमने सैम्पलिंग करनी होती है, लंबर पंक्चर करना होता है, तो हम L4 और L5 के दरमियान में नीडल जो है वो इंसर्ट करते हैं और वहाँ से हम CSF का कल्चर लेते हैं. और किन किन जो है वो लेयर से गुजर के जाती है हमारी नीडल, स्किन, लिगामेंट्स, एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरा, और वहाँ से हम पहुँच जाएंगे एरेक्नॉइड मैटर. ठीक है, और एरेक्नॉइड मैटर तक हम लेके जाएंगे पिया मैटर को हम पेयर्स नहीं करेंगे. ठीक है, एरेक्नॉइड में जाके वहाँ से हम सैंपल लेके बाहर आ जाएंगे. ठीक है, और CSF फाइंडिंग्स हम देखते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, याद रखना है न्यूट्रोफिल्स हमें नज़र आते हैं, और वायरल और फंगल जो होता है उसमें हमें लिम्फोसाइट्स नज़र आते हैं. ठीक है, बैक्टीरियल में हमें ग्लूकोज जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है. ठीक है, और फंगल में भी ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, लेकिन वायरल जो होता है उसमें जो ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रहता है. इसकी क्या रीज़न होती है कि CSF में
ग्लूकोज कम क्यों हो जाता है बैक्टीरिया और फंगस में? ज़्यादातर बैक्टीरिया में बहुत कम ग्लूकोज हो जाता है CSF का नॉर्मल से। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस फंजाई होते हैं, वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज को अपनी न्यूट्रिशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस में तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि हम ग्राम स्टेनिंग और कल्चर कर देते हैं बैक्टीरिया का, तो हमें पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन से बैक्टीरिया की वजह से मेनिनजाइटिस हुआ होता है, उसकी वजह से फिर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और वायरल में जो है, अब मैंने बता दिया कि नॉर्मल CSF है और फंगल में CSF जो है वो ग्लूकोज, याद रखना है कि बैक्टीरिया में न्यूट्रोफिल्स हैं और वायरल फंगस में लिम्फोसाइट्स हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र आती हैं वो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस की वजह से आती हैं, जिसमें क्या होता है कि ज़्यादातर वहाँ पे क्योंकि एक्सुडेट होता है, पस होता है ऑब्वियसली, तो उस पस की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली जब ब्रेन के अंदर पस हो गई है तो यू नो दैट CSF का जो रास्ता होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, उसकी वजह से हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है वहाँ पे। अगर वो पस जो है वो एक्सुडेट जो है वो नर्व के ऊपर कंप्रेशन कर रही है तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाएगी टिश्यू डैमेज की वजह से, तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि हर्निएशन हो सकती है, सेरिब्रल एडीमा जो वहाँ पे हुआ हुआ है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस की वजह से, एडीमा हुआ हुआ है ना, तो वहाँ पे क्या होता है हर्निएशन जाती है और उसकी वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। मेनिनजाइटिस जो है वो हमने पैथोमा से भी करना है और हमारा मेजर टॉपिक भी है, इसको हम वहाँ से भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो जो है मीडियम रॉबिन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि ब्रेन की जो वेसल्स होंगी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ होगी। अब क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल्स में कि सेरिब्रोवास्कुलर कॉम्प्रोमाइज़ की वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है, मतलब जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगा तो उसकी वजह से न्यूरोनल सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, 85% केसेस में क्या होता है इस्कीमिया की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा होता, और 15% केसेस में क्या हो रहा होता है कि वहाँ पे हेमरेज हो गया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो होते हैं ब्रेन टिश्यू उसको ब्लड सप्लाई नहीं जाता। तो सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ याद रखना है दो तरह से हो सकती है, इस्कीमिया की वजह से हो सकती है, हेमरेज की वजह से हो सकती है। इस्कीमिया में क्या है कि इस्कीमिया जो है उसकी वजह से 85% ज़्यादातर सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ इस्कीमिया की वजह से होती है और हेमरेज की वजह से कम होती है, ठीक है। अब जो देखिए न्यूरॉन्स जो होते हैं ना हमारे ब्रेन के, उनको ग्लूकोज चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे फॉर एग्जांपल इस्कीमिया हो गया है, वहाँ पे न्यूरॉन्स को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा, ठीक है, तो वहाँ पे उनकी नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। 3 से 5 मिनट के अंदर वो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, उनकी ये पता होना चाहिए। हार्ट के अंदर जो है वो आधे घंटे तक सह सकते हैं हार्ट का टिश्यू, लेकिन जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर प्रोलॉन्ग्ड इस्कीमिया होगा 5 मिनट तक का, तो उनकी जो है वो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली जब उनको ग्लूकोज सप्लाई नहीं मिलेगा उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हमारा इस्कीमिया होता है ना, इस्कीमिया ये फोकल भी हो सकता है, मतलब ब्रेन के जो टिश्यू है उसके किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर होगा, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि ये डिफ्यूज्ड हो सकता है, मतलब कि ये फैला हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो यही है कि ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया, मतलब ये कि हमारे ब्रेन को जो है ग्लोबली इस्कीमिया हो गया है, मतलब उसको जो है पूरे के पूरे ब्रेन को जो है वो डिफ्यूजली जो है ना ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। तो उसकी वजह से मेजर कॉजेज़ क्या हैं कि किस वजह से नहीं जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से हो सकता है, हार्ट जो है उसने काम करना छोड़ दिया जिसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा। इसके अलावा अनीमिया हो सकता है जिसकी वजह से क्रॉनिक हाइपोक्सिया हो जाएगा पेशेंट को, उसकी वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। या ये हो सकता है कि पेशेंट को जो है वो बार बार हाइपोग्लिसीमिक अटैक्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो है कोई इंसुलिन का ट्यूमर बना हुआ, इंसुलिनोमा है, ठीक है। अब जब इंसुलिनोमा बना होता है ना, उसकी वजह से हाइपोग्लिसीमिया हो जाता है, हाइपोग्लिसीमिया की वजह से क्या होता है ग्लूकोज मतलब बहुत कम हो गया है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई ग्लूकोज की सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये 4 केसेस होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, या फिर हमारे पास जो एनीमिया या इंसुलिनोमा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
ग्लोबल सेरिब्रल स्कीमिया हो जाता है, पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही होती। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, आप खुद सोचें कि ऑब्वियसली ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ग्लूकोज का सप्लाई नहीं जा रहा, एनर्जी नहीं मिल रही, तो ब्रेन काम करना छोड़ देगा। अगर तो माइल्ड होता है स्कीमिया तो उसकी वजह से ट्रांजिएंट थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन होती है पेशेंट को और फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ग्लूकोज थोड़ा सा, मतलब जैसे आपको भी पता है कि अगर मतलब अगर माइनर केसेस में देखें तो अगर आपको आपका ग्लूकोज लेवल शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं ना, ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई नहीं जब मिलेगा। तो इस तरह ये होता है कि माइल्ड अगर इस्कीमिया होगा तो ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन होगी और फिर वो बंदा रिकवर कर जाएगा। लेकिन अगर सीवियर ग्लोबल इस्कीमिया है, ठीक है, बहुत स्पीयरली हमारा जो है ब्रेन को ब्लड सप्लाई पूरे को नहीं जा रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर सर्वाइवल होता है पेशेंट का तो वेजिटेटिव स्टेट में होगा वो, ठीक है, मतलब कोमाटोज होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि मॉडरेट जो ग्लोबल इस्कीमिया होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फार्क्ट हो जाते हैं वाटर शेड एरियाज के अंदर। मतलब ये कि इतना सीवियर नहीं है इस्कीमिया और ना ही बहुत कम इस्कीमिया है, मतलब मॉडरेट है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एंड ऑफ सर्कुलेशन वाली जगह होती है ना, मतलब जो एरिया होता है एंटीरियर और मिडल सेरिब्रल आर्टरी के दरमियान वाला, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाटरशेड एरिया, ठीक है, मतलब एंड ऑफ सर्कुलेशन होती है वहाँ पर, तो वहाँ पर इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये हो सकता है कि डैमेज टू द हाईली वल्नरेबल रीजन सच एज हमारे पास क्या होता है, वो वाले जो ब्रेन के एरियाज हैं जो इस्कीमिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें तीन तरह के एरियाज आ जाते हैं, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, एक हमारा सेरिबेलम है और एक हमारा हिप्पोकैम्पस है। अब जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये भी हमारे इस्कीमिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता, थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ, इसने अपने सिम्टम्स देना शुरू कर दिए। इसकी भी आपको पता है ना सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें जो हमारे पास होती है लेयर्स 3, 5 और 6, ये अगर इन्वॉल्व होती है ना तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पैटर्न आता है नेक्रोसिस का वो लैमिनार नेक्रोसिस का पैटर्न आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाईली वल्नरेबल एरिया होते हैं जो पिरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की ऑफ द लेयर्स 3, 5 एंड 6। इसके अलावा जो हिप्पोकैम्पस के पिरामिडल न्यूरॉन्स होते हैं वो भी इस्कीमिया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू नो दैट हिप्पोकैम्पस हमारे टेम्पोरल लोब में होता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंट्रोल करता है, तो जब ये डैमेज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट की मेमोरी इफेक्ट होगी। इसके अलावा थर्डली क्या होता है कि जो सेरिबेलम होता है उसकी पखंजी लेयर जो होती है ना वो भी इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ऑब्वियसली सेरिबेलम जो फंक्शन कर रहा था, मोटर स्किल्स कर रहा था परफॉर्म, वो नहीं होंगी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्लोबल इस्कीमिया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा सेरिब्रो वास्कुलर डिजीज़ में कि क्या होता है हमारे सेरिब्रल जो है इस्कीमिया की वजह से, हैमरेज की वजह से ब्रेन इफेक्ट होता है, न्यूरॉन्स इफेक्ट होते हैं, उनको ग्लूकोज सप्लाई नहीं मिलता। ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया हो सकता है और लोकल हो सकता है, फोकल हो सकता है। अब ग्लोबल में हमने देखा कि कॉजेज़ क्या होते हैं, चार तरह के हमने कॉजेज देखी। इसके अलावा हमने देखा क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, माइल्ड में क्या होता है, मॉडरेट में क्या होता है, सीवियर में क्या होता है। माइल्ड में पेशेंट को जस्ट थोड़ी देर के लिए ट्रांजिएंट कन्फ्यूजन होगी, फिर वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और स्फीयर में क्या होगा, वो नेक्रोसिस हो जाएगी, कोमाटोज हो जाएगा, वेजिटेटिव स्टेट में चला जाएगा, और अगर बाद में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर मॉडरेट होता है ना तो उसमें हमारे वल्नरेबल एरियाज जो ब्रेन के होते हैं वो ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं, जिसमें मोस्टली आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम और हिप्पोकैम्पस इफेक्ट होता है, जो अपने सिम्टम्स देते हैं, ठीक है। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट द ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया। नेक्स्ट ऑडियो में हम स्टार्ट करते हैं वीडियो में इस फ्रॉम द इस्कीमिक स्ट्रोक।